आप सभी को मेरा प्यार भरा पलक और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोबाल। तो कहिए मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे बच्चे वहीं आ ले हैं। ये देखिए, हमारे पहाड़ों में एक महामारी आई है, वो जानवरों से संबंधित है, वो बैलों को हो रही है। आप सभी को मेरा प्यार भरा पलक और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोबाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं अपना ब्लॉग अभी शुरू कर रही हूँ सुबह से। अभी सुबह के बजे हुए हैं 8 और मैं हूँ घर में और बाकी लोग अपने काम पे गए हैं। और मुझे रोज़ की तरह अपना काम करना होता है, भैंस को पानी देना, ये वो, देखते हैं कि क्या क्या रहता है। कैसे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। ये मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे बच्चे वहीं आ रहे हैं। ये देखिए क्या हुआ? ओ बुद्धू, बुद्धू आ, बुद्धू आ। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों खा ले पी ले? क्या हुआ, गुस्सा आ गया? मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा था तो इसको गुस्सा आ गया। ये तो ये देखो मेरे बच्चे आए, ये कहीं जा ही नहीं रहे, वो जो ऐसे होते ऐसे होता है पता है। तो आइए अब अपना ब्लॉग शुरू करते हैं इन बच्चों के साथ। मैं इनको सुला देती हूँ, आप लोग ना इधर क्यों जाओ, वो तू छो जा, हाँ ले इधर आ जा, ये छो जा। तो अभी भैंस को पानी देने का टाइम हो रहा है, मैं अभी देती हूँ भैंस को पानी। और काफ़ी मक्खियाँ आ जाती है सुबह सुबह यहाँ, जो बिल्कुल चाहिए नहीं होती है। और इससे मिलो, हेलो कल्लू, कल्लू हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो कैसे हैं आप बोल। ये मेरा कल्लू है, ये कितना गंदा है, ये बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। ए इनको बस खाने की भीड़ रहती है ना कल्लू ना। अभी पानी दूंगी तेरे को। हाँ, हमारे पहाड़ों में एक महामारी आई है, वो जानवरों से संबंधित है, वो बैलों को हो रही है। वो मतलब अभी मैं दिखाती हूँ अपने बैल को, इस तरह से उनको हो रहा है और फिर उनकी जान भी चली जा रही है। ये मैं सोच रही थी कि ये सिर्फ हमारे गांव में हुआ है, लेकिन नहीं, ये मतलब हर एक गांव में हुआ है। बल जिसमें मतलब बहुत सारे जानवरों की यानी कि बैलों की जान जा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए मतलब इस तरह से कुछ गांठ जैसी निकल रही है। ऐसी महामारी आई है, जैसे मतलब एक बार पहले जब कोरोना आया था हमको वैक्सीन भी लगी थी ना हम लोगों को, वैसी वैक्सीन इन लोगों के लिए भी आई है। मतलब भारत सरकार के द्वारा जो डॉक्टर लोग हैं उनको मतलब गांव-गांव भेजा गया है। अभी हमारे गांव में तो नहीं आए हैं, अभी मतलब आसपास के गांव में गए हैं और जल्द यहां भी आएंगे। अगर मैं घर ही रहूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और इनको इंजेक्शन लग रहे हैं। इतनी सारी लकड़ियां हम लोगों ने बना रखी है अपने गाँव में। और बाकी रही ये, तो अभी मैं गई हूँ खेतों में, अभी बारिश होनी थी। और आज का मौसम देखो, आज का मौसम धूप नहीं है, अच्छा लग रहा है। मैं क्या, सभी लोग चाहते हैं कि बारिश हो जाए, और बारिश होगी तो देखो जो ये उग रहे हैं ये उग जाएंगे अच्छे से, फिर गुड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक, अगर एक बारिश भी और होगी ना तो ये जल्दी से ऊपर आ जाएंगे, फिर गुड़ाई भी शुरू हो जाएगी। और इतने सारे आम भी झड़े पड़े हैं। बारिश चाहिए होती है उन दिनों नहीं होती है, और जिन दिनों बारिश नहीं चाहिए होती है उन दिनों जल्दी जल्दी होती है ना, जब फसल ख़राब होनी होती है तब बारिश आ जाती है। अभी कितनी ज़रूरत है, और इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब कल इतनी धूप थी कल, तो कल की वजह से आज भी बहुत गर्मी हो रही है और बारिश भी, बताइए देखते हैं होती नहीं होती है करके। इधर को आप देते हैं पानी और अब पिएगा तू पानी, ठीक है। Oh, oh, oh.
शाम हो गया लगभग, अभी हम गुड़ की चाय आजकल पी रहे हैं। वैसे तो गर्मी ज़्यादा होती है, गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन ठीक ही हो रहा है मतलब। और ये है चाय, अभी हम चाय पीते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है मट्ठा, ये ले जाइए मैं पकड़ के लिए, अभी चप्पल तो डालू। एक तो हरा है, ये भी पीला हो गया यार, ये बहुत जल्दी पीला पीले हो जा रहे हैं। ये हरा बस, तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? बहुत छोटा सा ब्लॉग था, देखना और बताना कि कैसा रहा। और अभी वैसे शाम हो गई है, 5 बज चुका है, आज इतनी गर्मी है, हालत खराब हो गई है, 2 बार नहा लिया है, मतलब पानी यहाँ काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो हम 2 टाइम नहाए, 6 टाइम, कोई इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और हवा भी नहीं चल रही है, तो अभी वैसी हालत ख़राब हो रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर देती हूँ, अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे ब्लॉग देखने में और ज़्यादा व्यस्त रहो।